और देख सकते हैं ना कि इधर रूम भी मिल जाएगा। इधर आप आओगे ना तो 2000-2500 तक का रूम मिल जाएगा आप लोगों को। काफ़ी इधर रूम आप लोगों को खाली मिल जाता है, देख रहे हैं ना। यहाँ पे फॉर रेंट लिखा, यानी किराए पे रेंट, रेंट पे रूम मिलेगा। और किराए के लिए मकान खाली है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे किराए के लिए मकान खाली है। तो ये सब सारी चीज़ें ना मतलब लिखा हुआ है, और देख रहे हैं ना सीएनसी बिठाई गई है इधर। ये देखिए सीएनसी बीएमसी सारी मशीनें यहाँ पे बिठाई गई हैं, समझे ना गुरु। हमारे बहुत सारे भाई लोगों का कमेंट आ रहा था कि सोनू भैया ऐसा है कि एक ब्लॉग ऐसा बनाइए कि जहाँ पे रूम मिलता हो, कंपनी आसपास हो, वर्कशॉप सारी कंपनियाँ बहुत ज़्यादा हो। तो मैंने सोचा कि चलो आज ब्लॉग बनाते हैं, तो चलते हैं आप सभी लोगों को बाहर और ब्लॉग बना के दिखाते हैं। तो भाई मैं आ गया हूँ घर से, रूम से, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कि किधर रूम मिलता है, और इधर वर्कशॉप कंपनियाँ भी आप लोगों को दिखाऊँगा। सबसे पहले इस जगह का आप नाम जान लीजिए, गोची है ये। गोची का इधर आगे बस स्टैंड है और सब्जी मंडी भी आसपास इधर पड़ती है। और इधर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पे आप सौदा वगैरह, राशन वगैरह आप खरीद सकते हैं। तो किधर भाई छोटी छोटी वर्कशॉप कंपनियां हैं, और इधर आप लोगों को रूम भी मिल जाएगा। 2000 से 2500-3000 रुपये तक का रूम मिल जाता है। और ये देख रहे हैं ना, ये सोहना वाला रोड है। तो गाइज आप देख सकते हैं कि बहुत सारी दुकानें भी है। और कई लोग कमेंट कर रहे थे ना कि भैया ऐसा है कि आप लोग, आप मेरे को ना ऐसा रूम बताइए, ऐसा जगह बताइए, ब्लॉग बनाइए कि हम लोग आए तो तुरंत रूम मिल जाए वहाँ पे। तो भाई इसी के आप लोगों के लिए मैंने सोचा कि भाई चलो कोई बात नहीं, जब भाई लोगों का कमेंट आ रहा है तो यार एक छोटा सा ब्लॉग बनाया जाए। तो चलते हैं दिखाते हैं आप लोगों को। तो भाई आप लोग देख सकते हैं कि मैं रोड के इस पार आ चुका हूँ, और इधर आप जो देख रहे हैं ना, इधर छोटी छोटी वर्कशॉप कंपनियाँ हैं। और भाई इधर क्या करें, बारिश हो गया है, तो भाई बारिश हो गया है तो फिर क्या है कि दिक्कत तो हो ही जाता है। तो ये आप देख सकते हैं ना, इधर छोटी छोटी वर्कशॉप कंपनियाँ देख रहे हैं ना, इधर कुछ MTR मशीनें बैठाई गई है और इधर भी कुछ मशीनें हैं। तो भाई ऐसा है ना कि जो भाई जिनकी उम्र कम है वो उधर इधर ट्राई भी कर सकता है, क्योंकि उनके लिए काम भी मिल जाएगा। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि इधर वर्कशॉप कंपनियों में ना ये CNC BMC भी बहुत ज़्यादा लगा रखे हैं। तो अगर आप काम करेंगे ना तो ये लगा लीजिए कि 1000-2000 रुपये कम मिलेगा, लेकिन आप लोगों को CNC BMC मिल जाएगा। और देख रहे हैं ना, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड हैं जो कि बैठे पड़े हुए हैं। और इधर भी देख सकते हैं कि आप बहुत सारी कंपनियां हैं, और बहुत यानी छोटी छोटी कंपनियां CNC के वायर कट, BMC, HMC यानी सब मशीनें इधर बैठा रखे हैं भाई लोग। और कप देख रहे हैं ना, ये लेथ मशीन है, आप देख सकते हैं कि ये लेथ मशीन है। और काफ़ी भाई लोग कह रहे थे ना कि भैया ऐसा है ना कि आप घूम घूम के थोड़ा सा वीडियोज बनाइए, ब्लॉग बनाइए। तो मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं यार, जब भाई लोग कमेंट कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा ब्लॉग बनाते हैं। और देख रहे हैं ना, सिक्योरिटी गार्ड हैं, इधर बहुत सारी बाइक लगी पड़ी हैं। तो ये है यहाँ, ये मैं बता दूं आप लोगों को, यह है संजय कॉलोनी, सेक्टर 23 है। और देख रहे हैं ना, इधर बहुत सारी मशीनें अंदर बैठा रखे हैं, बेसमेंट बना रखे हैं, और ग्राइंडिंग मशीन है, बहुत सारी मशीनें हैं भाई लोग। यहाँ पर इतनी सारी मशीनें हैं, आप जैसा चाहोगे वैसा काम मिल जाएगा। तो देख रहे हैं ना, ये इधर हेल्पर की भर्ती है, और इधर बड़ी बड़ी देख रहे हैं ना, इधर बड़ी बड़ी मशीनें हैं। और काफ़ी चीज़ें आप लोगों को मैं दिखा देता हूं, और देख सकते हैं ना कि इधर रूम भी मिल जाएगा। इधर आप आओगे ना तो 2000-2500 तक का रूम मिल जाएगा आप लोगों को। काफ़ी इधर रूम आप लोगों को खाली मिल जाता है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर फॉर रेंट लिखा, यानी किराए पे रेंट, रेंट पे रूम मिलेगा। और किराए के लिए मकान खाली है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे किराए के लिए मकान खाली है। तो ये सब सारी चीज़ें ना मतलब लिखा हुआ है, और देख रहे हैं ना CNC बिठाई गई है इधर। ये देखिए CNC BMC सारी मशीनें यहाँ पे बिठाई गई हैं, समझे ना गुरु। और भी आप लोगों को दिखाते हैं, यानी इधर क्या है ना कि गली गली घर घर में बिठा रखे हैं, और मस्त भाई काम चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर आप लोग गली में इधर जाएंगे तो रूम भी मिल जाएगा। और
इधर भी देख रहे हैं ना, ये भी BMC बिठा रखे हैं। तो ये सब छोटे छोटे वर्कशॉप कंपनियां हैं, सकते हैं ना, ये BMC बिठा रखे हैं और काम चलता है, सही है, इन लोगों का भी काम चलता है सही, अच्छे से काम चलता है। और इधर भी देख रहे हैं ना, BMC की रिक्वायरमेंट है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, बाकी रूम वूम जो भी चीज़ें हैं, मार्केट वगैरह, राशन वोशन सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। और आप लोग ये कहते हो ना कि सोनू भाई ब्लॉग घूम घूम के थोड़ा बनाए करो तो अच्छा लगता है, तो भाई कोशिश यही रहती है कि चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत बाहर निकल के ब्लॉग बनाया जाए। और ये अगर आप कहोगे कि भाई मैं काम कंपनी में जा के लगवा दूंगा, तो भाई नहीं लगवा सकता। ये भी देख रहे हैं ना, घर में ही BMC बिठा रखे हैं ये सारे लोग। तो इधर भाई रूम भी मिल जाता है। तो भाई इस कॉलोनी में आप जिधर जाएंगे ना, सारी कॉलोनी है, गली है, आप किधर जिधर चाहेंगे ना उधर रूम मिल जाएगा। आप टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिए कि रूम कहाँ पे मिलेगा, हमें कौन रूम देगा। भाई सिर्फ तुम्हारे जेब में पैसा होना चाहिए। ये किसी भी मकान में आप जाएंगे, पूछेंगे कि किराए पे रूम खाली है, तो कहेंगे अगर हाँ तो तुरंत एक महीने का एडवांस 2,000-1,500 का, जितने का भी है कमरा, 2,000-1,500 अपना लेंगे और एक महीने के लिए अपना आपको रूम दे देंगे। फिर अपना टाइम टू टाइम अपना देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही होता है भाई लोग, ये सोचोगे कि सोनू भाई वहाँ पे जाऊँगा तो रूम दिला देंगे, तो ऐसा नहीं है भाई, मेरे पास टाइम नहीं है। और सोच, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों से थोड़ा बहुत बात करके। बाकी जो भी चीज़ें हैं, क्वेश्चन वगैरह है, आप व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ सकते हैं। तो अब आप सभी लोगों को यहाँ का थोड़ा सा मार्केट दिखाते हैं कि यहाँ का मार्केट कैसा है, सब्जी मंडी कहाँ है, कैसे राशन वोशन मिलेगा। तो देख सकते हैं आटा की चक्की है यहाँ पे, आप आटा वाटा ले सकते हैं। और उसके बाद गाइज क्या है कि कपड़े वपड़े की दुकान आगे आप लोगों को मिल जाएगी। अब यानी कुल मिला के मार्केट है, बहुत सारे जो भाई लोग हैं वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कहाँ कहाँ रहते हैं, दूर रहते हैं, और मुझे पता है कि ज़्यादातर यूपी बिहार के ही लोग काम करने वाले हैं। तो देखो भाई, मेरा मानना यह है कि फरीदाबाद जो हरियाणा है ये नज़दीक है, आप यहाँ पे आओगे तो भाई अच्छी खासी सैलरी भी मिल जाएगी और कोई टेंशन भी नहीं रहेगा। तो कहीं भी आप रूम ले लेंगे, अपना काम करेंगे। देखें फल फ्रूट जो भी चीज़ें हैं हर गली में यहाँ पे भाई दुकानें हैं, कोई टेंशन नहीं है। बहुत सारे भाई लोग सब्सक्राइबर मेरे गुजरात के हैं, तो भाई उन लोगों से सिर्फ मैं यही कहूँगा कि देखो भाई, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए इतना ही कर सकता हूँ कि एक रास्ता बना सकता हूँ, बता सकता हूँ कि आपको कहाँ आना है, कैसे आना है। सिर्फ मैं आपका कुल मिला के जरिया बन सकता हूँ। आप ये सोचोगे कि भाई के पास टाइम है, भाई एक काम लगवाएंगे, तो भाई प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है ऐसा ना सोचें, क्योंकि मैं भी कंपनी में काम करता हूँ, समझे ना गुरु। आज आप सभी लोगों को पूरा मार्केट ही यहाँ का दिखा देते हैं। ये है गोछी, बोले तो संजय कॉलोनी सेक्टर 23 में ही ये सब आता है। और इधर आसपास आप लोगों को रूम मिल जाएगा। आप लोगों को मैं बल्लभगढ़ का भी एरिया दिखाऊंगा किसी दिन, जब मैं ब्लॉग बनाऊंगा तो आप लोग देख लीजिएगा। और यही चीज़ें ना, काफ़ी लोग मेरे को ये कह रहे थे, काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि भैया ब्लॉग बनाइए, थोड़ा मार्केट वर्केट का ब्लॉग बनाइए, रूम वूम का ब्लॉग बनाइए, किधर रूम मिलता है। तो भाई आप सभी लोगों को इस वीडियोज में मैंने दिखा दिया है, इधर जिधर भी जाओगे गली में उधर आप लोगों को रेंट पे रूम मिल जाएगा। देख रहे हैं ना इधर, और मेन रास्ता यही है। आप लोगों को मैं एक बार और बता दूं कि देखो भाई, ये है सेक्टर 23। तो चलते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ का मंडी वगैरह दिखा देते हैं कि मंडी यहाँ पे कैसी है, और सब्जी वब्जी आप ले सकते हैं यहाँ पे, ताज़ी ताज़ी हरी हरी सब्जियाँ आप ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगा। बस आप क्या है कि एक बार आ जाइए, आप लोग देखते जाइए, सिर्फ मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये है, देख रहे हैं ना, ये है मंडी, जो कि मैं शाम को आया हूँ। तो फाइनली दोस्तों, आप लोगों ने ब्लॉग देख लिया है, कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।